वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी दोस्तों। आज आपने देख लिया मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट का पेपर कैसा आया था। तो देखो मैं अभी आपको मैंने पूरा पेपर एनालाइज किया, हर एक कमेंट को देखा, वहाँ पर देखा कि यार मतलब कौन कौन सा टॉपिक है जिससे कि क्वेश्चन बन रहा है। तो देखिए अभी मैं पूरा डिस्कस अभी आपको सिर्फ टॉपिक बता देता हूँ, इसके बाद फिर मैं आपके लिए एक अच्छा सा यू नो क्रैश कोर्स लाऊंगा, यानी पूरा का पूरा यानी हर सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं हर टॉपिक के ऊपर डिस्कस करूँगा, एक अलग से वीडियो दे दूंगा आपको। तो अभी क्या है मैं बना लेता हूँ उसे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ जिन पर आज आपको पढ़ाई थोड़ी कर लेनी चाहिए, ठीक है, सिर्फ उनको देख लेना। यहाँ पर पहले हम इंग्लिश का, फिर जीएस का फिजिक्स की बात करेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों आपने देखा आज का पेपर बहुत अच्छा गया, बच्चों का कमेंट भी आ रहा है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, ठीक है। तो आपने जितनी तैयारी कर रखी है, तो आपने पुरानी जितनी तैयारी कर रखी थी उसका भी आज आपको यहाँ पर बेनिफिट मिला। और जो भी बच्चे इनका इंग्लिश बहुत कमज़ोर था, जिन्होंने चैनल से स्टडी किया, पढ़ाई किया मंथन से, और उनका देखो एग्ज़ाम भी डैम श्योर क्लियर हो जाएगा, अच्छे मार्क्स वो बता रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले आज आपको क्या करना है, जो भी कल आपका पेपर है या फिर परसों है, तो पहले आज आप टेंस क्लियर कर लीजिए। देखो टेंस पे कौन कौन सा पढ़ना है आपको, प्रेजेंट टेंस एफर्ट और पास्ट टेंस एफर्ट के सारे फॉर्म्स पढ़ लीजिए। दो टेंस हैं, दोनों टेंसों को ज़्यादा से ज़्यादा सीख लीजिए। यहाँ पर दोनों देखो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी पास्ट टेंस एफर्ट को, और दूसरा टेंस आपको पढ़ना है प्रेजेंट टेंस एफर्ट को। दोनों टेंस में और जितना भी बता रहा हूँ वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या फिर आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, राम सर लगा देना, जैसे टेंस तो टेंस भाई राम सर। यहाँ पर आपको टेंस दो पढ़ने हैं और एक सेंस फॉर का यूज़ कर लेना, तीनों टेंस क्लियर। बाकी और मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा पढ़ना हो, क्यों वहीं से प्रश्न बनता है। अब आपको देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में से क्या पढ़ना है, सिंपल टाइप का डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनता है, इंटरोगेटिव का कैसे बनता है, और इनमें बेसिकली आप प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा एक और पास्ट इंडेफिनिट होगा, ये दोनों के डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनते हैं और दोनों के इंटरोगेटिव या फिर सिंपल टाइप में कैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनता है, ठीक है। तो वो भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और तीसरा टॉपिक आपको वर्ब वाला पढ़ना है, कि वर्ब यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने बहुत अच्छी तरह से बता रखे हैं सारे टॉपिक, सर्च कर सकते हैं आप। तो वर्ब भी आपको पढ़ना है कि वर्ब कैसे लगाते हैं, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब, है ना, यू आर अ गुड बॉय तो यू आर हो गया। तो ये बेसिकली इसके कॉन्सेप्ट आज आपको पढ़ने होंगे अगर एग्जाम में और अच्छा स्कोर करना है तो। इसके बाद देखो यहाँ पर आपको एक्टिव पैसिव पढ़ना है, और एक्टिव पैसिव भी आपको प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट में से वो थोड़ा देख करके जाना है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट ये लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिएगा आई लव यू, तो आई लव यू का क्या होगा, ठीक है ना, तो यू आर लव्ड बाई मी, तो यहाँ पर आपको करना आना चाहिए। तो इनको आप देख लीजिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव कैसे बनता है। आगे देखो सिंटैक्स का टॉपिक है, सारे टॉपिक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, वन टू वन इन्हें देखते रहिए, ज़्यादा नहीं मुश्किल से दो घंटे में क्लियर हो जाएगा। सिंटैक्स का आपको पढ़ना है, यानी सिंटैक्स में सारे के सारे रूल वो बता देते हैं, तो सिंटैक्स का बेसिकली एक बार पढ़ के जरूर जाना। इसके बाद कंडीशन सेंटेंस, आज आपने देखा ये वाला आया था, और कंडीशन सेंटेंस अभी यानी कि मैंने दो तीन दिन पहले ये करवाया था एक प्रैक्टिस सेट के अंदर, इफ आई हैड ये, तो बहुत कई बार मैंने कंडीशनल आपको बता दिए, तो देखो कंडीशनल में से एक जरूर बनेगा, याद रखना इफ के साथ हैड थर्ड फॉर्म आता है तो आगे वाला जो होता है ना वो वुड हैव थर्ड फॉर्म में आता है, क्लियर। या फिर इफ के साथ एक और इसमें एरर आ जाता है, इफ के साथ कभी भी फ्यूचर टेंस यूज नहीं होता, तो वहां पर फ्यूचर दे रखा होता है, तो उसको भी थोड़ा संभल के आपको करना है, ठीक है। इसके बाद देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करता हूँ, तो इसमें आपको जो भी ऐसे इनकॉरोजिबल, यहाँ पर जैसे नोट करें ऐसा व्यक्ति इसे सही नहीं किया सकता, इनकॉरोजिबल, तो देखो इन वाले इनऑडिबल इनएडिबल, तो जितने भी दे रखे इन वाले उन सभी को एक बार नजर से फेर लो, आपके पास नोट्स वगैरह होंगे या फिर मैं भी क्रैश कोर्स पे करवाऊंगा उसे देख लेना, ठीक है। तो पर डे कोशिश करूंगा आपको क्रैश कोर्स देता रहूं, डेली का पेपर दे करके शाम को आपको क्रैश कोर्स मिल जाया करेगा, ठीक है, तो उसको आपको देख लेना चाहिए। और ओमनी वाले जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जैसे ओमनी पोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, ठीक है, वो सब आपको याद करना है। और एक ये देखिए स्पेशलिस्ट होते ना, जैसे आपने देखा एपियरिस्ट, यहाँ पर मधुमक्खियां पालन का जो स्पेशलिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स वगैरह होते हैं बच्चों की हड्डियों के, तो वो स्पेशलिस्ट वाला भी आपको टॉपिक थोड़ा पढ़ के जाना है, ठीक है। इसके बाद देखो फ्रेजल वर्ब, आज आपने देखा कि डू अवे विद, जैसे ये है डू अवे विद का मतलब टू अबॉलिश या फिर किसी का मर्डर कर देना, डू अवे विद, ये आज के क्वेश्चन पेपर में आई थी, तो ये भी आपको देख लेना है। और आज आपको जो फ्रेजल वर्ब पढ़नी है वो कॉल वाली पढ़नी है, यानी कॉल की जितनी भी फ्रेजल वर्ब है उन्हें जरूर पढ़ के जाना। इसके बाद हम बात करेंगे जैसे क्वेश्चन टैग का जो टॉपिक है वो आता है, ठीक है, आज भले क्वेश्चंस की कमी रही लेकिन क्वेश्चन टैग बहुत ऐसा टॉपिक होता है जिससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो आप इसको भी एक बार जरूर देखकर जाना, ठीक है। अब देखो एंटोनिम सिनोनिम्स आपको याद नहीं करने, जितने आपने याद किए उतना ठीक है, अब एक्स्ट्रा याद मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी आपको। और प्रोवर्ब्स आप सर्च कर सकते हैं,
प्रोवर्ब आप जरूर देख के जाना, प्रोवर्ब से भी वहां पर क्वेश्चन बनता है। तो प्रोवर्ब जो भी मेन मेन है यानी इंपॉर्टेंट है वो मैं करा चुका हूँ, तो उनको देख के अगर आप जाओगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। तो वही है जो बार बार घसीपिटी आती है बार बार। इसके बाद देखो हम बात करते हैं जीके और जीएस के सिलेबस के बारे में। तो जीके जीके सिलेबस में आपको पढ़ना है क्या है, देखो करंट अफेयर के क्वेश्चन पढ़ना है, यानी कि एक तो वो यानी इंडिया में से कौन से मुख्यमंत्री या फिर राष्ट्रपति कहीं कौन से देश में गए अभी में जो भी हुआ 3-4 महीने में, और कौन से यानी फॉरेन के कौन से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हमारे देश में आए, तो इन सबको थोड़ा सा आप नज़र घुमा के फेर लेना। राष्ट्रमंडल खेलों में जो भी कुछ हुआ वो आपको देखना है, पदक वगैरह जितने मिले वो भी देख लेना। इसमें जीके जो होता है यू नो वन लाइनर आप आ रही है, आपने देख लिया कि ज़्यादा डीपली नहीं होता, सिर्फ ऊपर ऊपर का पूछा जाता है, तो जीके में आपको वन लाइनर आपको याद कर लेना है, ठीक है। और देखो इसमें हिस्ट्री में क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा सा आप देख लेना। इसके बाद हम बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स जो आ रही है वो थ्योरी बेस्ड आ रही है, फॉर्मूला बेस्ड आ रही है, ठीक है। न्यूमेरिकल से इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है, SSR से इसका लेवल बहुत नीचे है, ठीक है। तो आप इसको जो भी मैंने बताया आज आपको इन पर थोड़ा कमांड बना के रखना है। मैं कोशिश करूंगा आज आपको क्रैश कोर्स दे दूं हर एक टॉपिक पर अलग अलग बना करके और डेली में प्रोवाइड कर दूं, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अभी आप देखेंगे आपका एयरफोर्स का बैक टू बैक चल रहा है। तो दोस्तों जितना मैं मदद कर रहा हूं उतना आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको ज़्यादा मेहनत करना है और वो टॉपिक पढ़ने सेलेक्टेड टॉपिक, ठीक है। तो कम टाइम के अंदर इनको फटाफट से एक बार जरूर फेर लीजिएगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट इंग्लिश की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।